अगर आप भी चाहते हो आपको एक बेस्ट गेमिंग कीबोर्ड माउस कॉम्बो मिले वो भी 1000 रुपया के अंदर, सो आपके लिए डेफिनेटली ये वीडियो बहुत ही ज्यादा सही होने वाला है। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाले एंटी स्पोर्ट्स का गेमिंग कीबोर्ड और माउस कॉम्बो किट के बारे में। और इसका जो मॉडल नंबर है KM580 नाम से आता है, एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से एक लेजेंडरी चीज है जिसका आज हम लोग रिव्यू करके और अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, एंड साथ ही साथ पीसी और लैपटॉप रिलेटेड चीजों को देखने के लिए जो बेल बटन है बगल में उसको भी दबा के ऑल कर दो। सो चलो आज का वीडियो शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों ये जो पैकेट आपको देखने को मिलता है ये एंड स्पोर्ट्स की तरफ से मुझे मिला नहीं है, बट मैंने पर्सनली इसको परचेस किया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि रिव्यू वगैरह करते हैं उनको एंड स्पोर्ट्स की तरफ से भेजा जाता है, बट ये मैंने पर्सनल जो यूनिट है परचेस किया और मैं खुद इसको पर्सनल यूज कर रहा हूं, ठीक है। और मैंने सोचा कि यार चलो इसका एक रिव्यू वीडियो ही आपके लिए ले आया जाए। तो सबसे पहले ये जो बॉक्स पैकेजिंग है इसके बारे में बात करेंगे, एंड देन हम लोग एक छोटा सा अनबॉक्सिंग वीडियो भी देखेंगे। सो यहाँ पे जो बॉक्स पैकेजिंग है आप लोग देख सकते हो, बॉक्स कुछ आपको ब्लैक और येलो के कॉम्बो के साथ देखने को मिल जाता है। हालांकि इससे पहले मैंने एंड स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाला जो लेटेस्ट फैन किट है RF120 किट, जो फैन किट है उसका अनबॉक्सिंग किया था, एंड उसका भी पैकेज आपको सेम टू सेम येलो और ब्लैक कलर में देखने को मिलता है। सो बॉक्स ऐसे टाइप का आपको देखने को मिलेगा, ऊपर में आपको कीबोर्ड और माउस का यहाँ पे बड़ा सा पिक्चर देखने को मिल जाएगा। और हाँ ये बैकलिट कीबोर्ड के साथ आता है दोस्तों, यहाँ पे आपको कीज के अंदर भी लाइटनिंग देखने को मिलेंगे। यहाँ पे इस कीबोर्ड के अंदर बहुत ही सारे फीचर्स है, एंड यहाँ पे जो माउस दिया गया है वो माउस भी बहुत ही तगड़ा माउस है। आगे जाके आपको सब कुछ पता चलता रहेगा, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखना। अभी चलो एक छोटा सा अनबॉक्सिंग आप लोग पहले इंजॉय करो। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे टाइप का आपको बॉक्स देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आप लोग देखो ऊपर में एंटी स्पोर्ट्स का लोगो देखने को मिल जाएगा, नीचे में आपको प्रो बैकलिट गेमिंग कीबोर्ड कॉम्बो देखने को मिल जाएगा, एंड यहाँ पे आप ऊपर में देख सकते हो इसका मॉडल नंबर जो कि है अपना KM580। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हो एंटी घोस्टिंग की मिलता है, बैकलिट लाइटिंग आपको देखने को मिल जाता है, एंड यहाँ पे देख सकते हो वेरिड USB केबल्स वगैरह बहुत कुछ बताया गया है। साइड में आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा सेम टू सेम, इस साइड में भी सेम टू सेम मिलेगा, एंड साथ ही साथ देख सकते हो यहाँ पे पीछे में आपको माउस का एंड कीबोर्ड का टोटल यहाँ पे जो स्पेसिफिकेशंस है जैसे कि देख सकते हो इस साइड में आपको ऊपर में दिखाई देगा KM580। यहाँ पे देख सकते हो प्रोडक्ट कीबोर्ड वगैरह देखने को मिल जाता है, सारे स्पेसिफिकेशंस वगैरह देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हो कीबोर्ड माउस का दो फोटो भी चिपका दिया गया है, एंड ध्यान रखना कि यहाँ पर जो सील है ये रहे बॉक्स को जब आप ओपन करने जाओगे, तो इस सील को ध्यान से देखना, कंपनी का सील होता है, अगर खुला हुआ रहता है तो आप रिटर्न कर सकते हो बॉक्स को। चलिए हम लोग इसको काट लेते हैं सबसे पहले, एंड देन इसको ओपन करते हैं। बॉक्स को ओपन करने के बाद यहां पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। बॉक्स के अंदर आपको एक रैपर के अंदर माउस देखने को मिलेगा जो कि हमारा गेमिंग माउस है। जैसे कि देख सकते हो माउस का लुक आपको कुछ ऐसे ही टाइप का देखने को मिलता है, और यहाँ पे कीबोर्ड भी आपको देखने को मिल जाता है। बस बॉक्स के अंदर यही कंटेंट है, आपको ज़्यादा कुछ खास बॉक्स के अंदर देखने को नहीं मिलता। कीबोर्ड आपको इस रैपर के अंदर मिलता है, इसको अनरैप कर लेते हैं, और ये है दोस्तों कीबोर्ड का लुक। जैसे कि आप लोग देख सकते हो बहुत ही प्यारा सा लगता है कीबोर्ड हाथ में होल्ड करते हुए, और ये कुछ ऐसे टाइप का लगता है देखने में। सो ऑल ऑफ दिस यहाँ पे एक छोटा सा अनबॉक्सिंग था, बॉक्स के अंदर ज्यादा कुछ कंटेंट आपको देखने को नहीं मिलता है, बस वही कीबोर्ड और माउस का यहाँ पे कॉम्बो आपको देखने को मिल जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कीबोर्ड के बारे में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। यहाँ पे ये जो कीबोर्ड है इसका साइज आपको देखने को मिलेगा 645 ग्राम का। ये कीबोर्ड थोड़ा सा ज्यादा हैवी है दोस्तों, अगर आप कंपेयर करते हो जो बेसिक प्लास्टिक के गेमिंग कीबोर्ड होते हैं उससे बहुत ही ज्यादा ये भारी है, बिकॉज यहाँ पे मेटल बिल्ड देखने को मिलता है। इसके बारे में आगे जाके हम लोग बात करेंगे। बाय द वे यहाँ पे आपको टाइट कीज देखने को जाता है, बहुत ही सारे मोस्ट प्रोबब्ली बहुत ही सारे ऐसे कीबोर्ड्स होते हैं जिनमें कीज जो है ना वो ऐसे लुढ़कता रहता है, मतलब ऐसे हाथ देने से वो फिसल जाता है, इधर उधर होता रहता है ना। तो यहाँ पे ये जो कीबोर्ड है ये कुछ टाइट टाइप के कीज के साथ आता है। आप अगर यहाँ पे ऊपर में हाथ डालते हो तो आपको पर्सनली फील होगा कि यार ये जो कीबोर्ड के कीज है ये बहुत ही ज्यादा टाइट फिटेड है। टाइप के बारे में बात करें तो ये कीबोर्ड दोस्तों एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड है, बट अगर आप इसको पर्सनली फर्स्ट टाइम यूज करोगे तो आपको लगेगा ये एक
मैकेनिकल कीबोर्ड है। जी हाँ, आपको फीलिंग ऐसा देगा कि ये एक मैकेनिकल कीबोर्ड है। बाय द वे, ये मेम्ब्रेन कीबोर्ड होने के नाते भी इसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। फीचर्स में जाने से पहले सबसे पहले मैं लुक के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले जो लुक है आप लोग इस कीबोर्ड का देख लो, ये कीबोर्ड कुछ ऐसे टाइप का देखने को लगता है। आपको फुल साइज कीबोर्ड देखने को मिलता है, बट कॉम्पैक्ट सा गेमिंग लुक वाला डिजाइन आपको देखने को मिल जाएगा। मानिए आपका जो टेबल है वो छोटा सा है, बट आप अपने टेबल के अंदर इस कीबोर्ड को अगर बिठाते हो आपको नहीं लगेगा कि यार अपना टेबल ये पूरा भर देता है। ये कॉम्पैक्ट साइज का कीबोर्ड है, फुल्ली नंपैड आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। अगर आप कीज को गौर करते हो तो यहाँ पे आपको टिल्टेड कीज देखने को मिल जाते हैं। ज्यादातर अगर आप गौर से देखोगे इस कीबोर्ड को तो यहाँ पे जो कीज दिए गए इसके अंदर, यहाँ पे आपको कर्व टाइप की डिजाइन देखने को मिल जाता है। गौर से अगर देखोगे ज्यादातर कीज यार कर्व है और ऊपर की तरफ मुड़े हुए हैं, जो कि यार हमें टाइपिंग करने में बहुत ही ज्यादा मजा दिलाता है। बाय द वे, ये गेमिंग कीबोर्ड है और आपको जो यहाँ पे गेमिंग लुक है 100% प्रोवाइड कर देता है और बहुत ही ज्यादा यहाँ पे रिच यहाँ पे लुक देता है। ठीक है, देखने में लगता है यार ये बहुत ही एक तगड़ा कीबोर्ड है, जो कि पर्सनली मैंने फर्स्ट टाइम जब ओपन किया था फील किया। अब यहाँ पे ये जो कीबोर्ड का बॉडी है या फिर पैनल है, जो भी आप बोल सकते हो, इसको आप अगर देखोगे तो फर्स्ट टाइम आपको कुछ यहाँ पे अच्छा सा रिच टाइप का फील होगा, बिकॉज यहाँ पे जो पैनल मिलता है ये मेटल का पैनल देखने को मिलता है। पीछे का जो बेस है अगर आप पीछे में देखोगे प्लास्टिक बेस देखने को मिलता है। बाय द वे, हमें पीछे से कोई मतलब नहीं, सामने के साइड में जो बेस दिया गया है मेटल का पैनल वो बहुत ही अच्छा लगा और ये मेटल एलॉय से बना है, सो आपको कोई भी टूटने का डर नहीं रहेगा। अब डेडिकेटेड इसके फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, ये एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड है, मोस्ट प्रोबेबली आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, बट ज्यादातर फीचर्स आपको मिलता है मैकेनिकल कीबोर्ड्स के अंदर, बट यहाँ पे भी बहुत सारे फीचर्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको बैकलेट कीबोर्ड देखने को मिल जाता है विथ 3 कलर्स। यहाँ पे आपको 3 टाइप के कलर्स देखने को मिलेंगे, प्लस यहाँ पे की लाइट्स भी देखने को मिल जाएंगे। मतलब कि आप लोग ज्यादातर ऐसे गेमिंग कीबोर्ड खरीद लेते हो लोकल मार्केट या फिर ऑनलाइन से, जिस गेमिंग कीबोर्ड के नीचे में ही सिर्फ और सिर्फ कीज के नीचे में ही लाइटनिंग होता है, बट कीज के जो अक्षर है वो आपको दिखाई नहीं देते। तो यहाँ पे ये जो कीज है इस कीबोर्ड के अंदर, इसमें भी आपको रातों में अक्सर में लाइटिंग दिखाई देगा। सो ये बैकलिट टाइप का कीबोर्ड है और ये मेरे को सबसे अच्छा लगा, और मैंने सोचा यार रात को अगर कीबोर्ड में लाइट जलता है और कीज नहीं दिखाई देते तो किस वजह से मैंने इसको परचेस किया है ना, ये चीज भी आप सबसे पहले सोच लेना परचेस करने से पहले। सो ये एक फंडा है जो कि मेरे को सबसे ज्यादा पसंद आया इस वाले कीबोर्ड का। यहाँ पे कीबोर्ड में लाइट डालने के लिए आपको 2 बटन एक्स्ट्रा डेडिकेटेड दिए गए, एक FN नाम से और एक लाइट नाम से। इसके बारे में भी मैं आगे जाके बात करता हूँ। ये जो की लेआउट आपको दिया गया है, यहाँ पे आपको डबल इंजेक्शन कीज देखने को मिलता है US लेआउट के अंदर। सो यहाँ पे आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। गेमिंग कीबोर्ड होने के नाते इसके अंदर आपको एक बहुत ही बढ़िया फीचर देखने को मिलता है, जो कि है 19 एंटी घोस्टिंग की इसके अंदर दिया गया है। 19 एंटी घोस्टिंग की आपको इसके अंदर मिलेगा, गेम खेलते वक्त ज्यादातर आप यूज कर पाओगे, कोई भी शिकायत नहीं होगा। LED यहाँ पे जो दिया गया है कीबोर्ड के नीचे में, वो आपको एक प्लास्टिक बेस में देखने को मिलेगा। मेटल के नीचे आपको प्लास्टिक बेस मिलेंगे, जो कि आपको देखने को लगेगा रबराइज है, बट ये व्हाइट कलर का प्लास्टिक बेस है जिसके अंदर आपको LEDs मिलते हैं और ये मल्टी कलर LEDs है। ऐसा नहीं कि साइड में नीला कलर रहेगा, मिडिल में रेड रहेगा, इस साइड में ग्रीन रहेगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। 3 टाइप के कलर्स आपको देखने को मिलेंगे इस कीबोर्ड के अंदर। आप चाहो तो कीज दबा दबा के इसको चेंज इजिली कर सकते हो। यहाँ पे आपको FN प्लस जो अपना लाइट वाला की है उसको दबा के चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ब्रीदिंग मोड भी देखने को मिल जाता है। अगर आप FN और लाइट को एक साथ दबाते हो तो यहाँ पे आपको ब्रीदिंग मोड देखने को मिलेगा। 3 टाइप्स के इफेक्ट्स ऑटोमेटिकली जेनरेट होते हुए जाएंगे, जो कि इस कीबोर्ड को सबसे ज्यादा बेटर बनाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोग FN स्विच को और ऊपर में 2 डेडिकेटेड कीज मिलते हैं एक्स्ट्रा लाइट को बढ़ाने के लिए और घटाने के लिए। अगर FN को दबा के लाइट बढ़ाने या फिर घटाने का स्विच आप दबाते हो तो आपका कीबोर्ड का जो लाइट है वो बढ़ेगा और घटेगा। ठीक है, डेडिकेटेड एक्स्ट्रा स्विच इस कीबोर्ड के अंदर आपको मिलते हैं और मल्टी कलर LEDs वन ऑफ द बेस्ट चीज लगा है मुझे। अब इस कीबोर्ड के अंदर एक ऐसा फीचर है जो कि मेरे को और भी ज्यादा यहाँ पे लुभाया इस कीबोर्ड को परचेस करने के लिए। सबसे मेन फीचर यही मेरे को लगा है। ज्यादातर क्या होता है, मैं जब एडिटिंग करता हूँ अपने यूट्यूब वीडियोस के अंदर, वहां पे जब मैं काम करता हूँ स्क्रीन की तरफ देख के, मेरे को कभी कभार यहाँ पे जो विंडोज की है उसमें उंगली डालने का मतलब आदत हो चुका है। ठीक है, अब इस कीबोर्ड के अंदर आपको एक ऐसा फीचर देखने को मिलता है, अगर आप FN वाला जो स्विच है लाइटनिंग का और विंडोज वाला की एक साथ दबाते हो तो आप विंडोज की को लॉक कर सकते हो। ये गेमिंग मोड वाला फीचर है। बहुत ही सारे लोग गेम खेलते वक्त विंडोज की को दबा देते हैं अपना गेम। सो यहाँ पे आपको विंडोज की लॉक करने का एक डेडिकेटेड फीचर इस वाले कीबोर्ड के अंदर देखने को मिल जाता है।
इस कीबोर्ड के अंदर रिस्पांस आपको बहुत ही लो लेटेंसी के देखने को मिलेंगे। आप अगर रिस्पांस टाइम देखो इस कीबोर्ड का बहुत ही कम है, बहुत ही कम। साथ ही साथ अगर वायर्स के बारे में बात की जाए, इस कीबोर्ड के अंदर आपको 1.5 मीटर का रग्ड लॉन्ग केबल देखने को मिल जाता है। अगर देखो यार इस वाले केबल को तो ये कुछ आपको स्ट्राइप्स देखने को मिलेंगे केबल के अंदर। हालांकि ये रबराइज केबल है बट हार्ड रबर से बने हुए है, थोड़ा सा टिल्ड भी होता है अगर आप देखो। बट मेरे को नहीं लगता यार यहाँ पे इस प्राइस के अंदर वेडिंग केबल देना चाहिए था। बट ये जो केबल है ना ये भी बहुत ही ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। इस केबल को जब आप पकड़ोगे अपने हाथ से 1.5 मीटर का दूरी तो तय कर ही लेता है, बट ये बहुत ही ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। मुझे नहीं लगता इतना जल्दी आपका जो केबल है वो जाएगा। इस केबल का जो बिल्ड क्वालिटी है मेरे को पर्सनली बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लगा। इस कीबोर्ड का और एक खास चीज मुझे लगा कि यहाँ पे जो स्पेस बार है, स्पेस बार के ऊपर में भी आपको गेमिंग अनलिमिटेड ये लिखा हुआ मिलता है, और कीबोर्ड के अंदर भी मेटल में आपको एंड स्पोर्ट्स का लोगो देखने को मिल जाता है। मेरे को सबसे ज्यादा अच्छा लगा गेमिंग अनलिमिटेड जो है उसमें लाइटिंग आपको पूरा एकदम रात में फील होगा, अगर आप देखोगे तो ऐसा टाइप का देखने को लगता है। और एंड स्पोर्ट्स का लोगो भी इस कीबोर्ड के अंदर मेरे को बहुत ही अच्छा लगा है। इस कीबोर्ड को हाइट एडजस्ट करने के लिए इस कीबोर्ड के नीचे में मतलब कि बैक में आपको दो यहाँ पे होल्डर्स देखने को मिल जाते हैं। तो अगर इन दोनों को आप लोग ऊपर में उठा देते हो तो आपका कीबोर्ड थोड़ा सा ज्यादा टिल्ट हो जाता है आपकी तरफ। आपको तो यहाँ पे टिल्टेड कीज वगैरह देखने को मिल जाते हैं, बट यहाँ पे कीबोर्ड खुद ही टिल्ट हो जाता है और देखने में गेमिंग टाइप का लगता है पूरा एकदम। और टाइपिंग स्पीड इस कीबोर्ड का मेरे को सबसे अच्छा लगा। और इंजेक्शन कीज वगैरह मिल जाते हैं, थोड़ा सा टिल्टेड है, सारा कुछ ही टिल्टेड है आपके तरफ एकदम। मतलब आपको ज्यादा दूर तक यहाँ पे देखना नहीं पड़ेगा ऐसे करके कि हाँ यार हमारा कीबोर्ड है यहाँ पे और ये स्विच हमें दबाना है। कीबोर्ड खुद अपने आप इतना तक टिल्ट हो जाता है अगर आप हाइट एडजस्टमेंट करके इसको यूज करते हो। सो यहाँ पे ज्यादा देखने का जरूरत नहीं, अपने हैंड को जस्ट यहाँ पे प्लेस करो और अपना काम स्क्रीन की तरफ देख के आराम से इजीली आप निकाल सकते हो इस वाले कीबोर्ड से। अब दोस्तों इस कीबोर्ड के बारे में मैंने बहुत ही ज्यादा बकबक कर लिया, चलिए इसका एक साउंड टेस्ट भी कर लेते हैं। डेली टू डेली लाइफ यूजर्स में इसका जो साउंड है वो कैसा आता है, आपको टाइपिंग करते वक्त जो एक्सपीरियंस है वो कैसा मिलता है। कीबोर्ड का साउंड था ये मुझे पर्सनली अच्छा लगा, मेरे को पसंद आया फर्स्ट इंप्रेशन। अब कीबोर्ड को छोड़ के माउस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो बात करूं यहाँ पे कॉम्बो मिलता है आपको, एक माउस भी इसके अंदर देखने को मिलता है बॉक्स में, जैसे कि आपने अनबॉक्सिंग में देखा। अब ये जो माउस है ये एक गेमिंग माउस है, एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से आता है। जो माउस आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिलता है ये एक गेमिंग माउस है, और यहाँ पे जो वजन आपको मिलता है गेमिंग माउस का थोड़ा सा हैवियर है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हैवियर है, इसका जो वजन है मैंने हाथ में जब होल्ड किया ये ज्यादा हैवी मेरे को नहीं लगा था, बट मीडियम हैवी मेरे को लगा था। इसका जो वजन है 88 ग्राम्स का है। यहाँ पे जो माउस आपको देखने को मिलता है ये फुल टाइप गेमिंग माउस है। यहाँ पे आपको प्लास्टिक बिल्ड देखने को मिलता है माउस के अंदर, कोई यहाँ पे मेटल बिल्ड आपको देखने को नहीं मिलता, बट प्लास्टिक का जो क्वालिटी है मेरे को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। प्लास्टिक के ऊपर में मतलब कि माउस का जो बेस है ऊपर वाला वो आपको कुछ यहाँ पे प्रीमियम सा देखने को मिलता है, कुछ मैटी रबर फिनिश है प्लास्टिक के ऊपर, और ये मेरे को हैंड में होल्ड करते हुए बहुत ही ज्यादा प्रीमियमनेस, एक रिचनेस दिलाता है। नीचे में आपको जो बेस देखने को मिलता है वो आपको पूरा प्लास्टिक का ही देखने को मिलता है, बट ये प्लास्टिक भी बहुत ही ज्यादा हार्ड और टक्टाइल है, ठीक है। अब यहां पे इस माउस के अंदर कुछ आपको कर्व शेप्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा, जो कि इसको एक परफेक्ट गेमिंग लुक दिलाता है। यहां पे जो फिनिश है माउस का मेरे को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, एंड साथ ही साथ यहां पे एंटी स्पोर्ट्स का आपको लोगो भी देखने को मिल जाता है माउस के ठीक एकदम जो प्लम है हाथ का उस साइड में, ठीक है। लोगो चमकता है, देखने में भी अच्छा लगता है। बिल्ड क्वालिटी फर्स्ट इंप्रेशन माउस का मेरे को सच में अच्छा लगा। अब फटाक से चलते हैं इसके फीचर के अंदर। यहाँ पे ये जो माउस है ये कोई डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर से आप इसके जो LEDs है इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। इसके अंदर आपको 7 टाइप के कलर्स देखने को मिल जाते हैं माउस के अंदर। यहाँ पे जो कलर्स है वो RGB है और ये ऑटो रनिंग होता रहता है। यहाँ पे आपको कोई भी डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर नहीं दिए गए इस माउस के अंदर सपोर्टेड, ताकि आप इसका जो लाइट है उसको चेंज कर पाओ। बाय द वे इस माउस के अंदर जो LEDs वगैरह देखने को मिल जाते हैं वो साइड से भी आपको दिखेंगे, एंड साथ ही साथ एंटी स्पोर्ट्स
उसका जो लोगो है वो भी चमकने लगता है। ये चीज मेरे को सबसे अच्छा लगता है कि यार कोई लोगो वगैरह जब चमकता है, जैसे कि रेड गियर के बहुत ही सारे ड्रैगन लोगो होते हैं और वो भी चमकता है यार आरजीबी में। इस माउस के अंदर आपको 6 बटन्स और एक स्क्रोल देखने को मिल जाते हैं। फिजिकल बटन्स है दोस्तों, राइट और लेफ्ट क्लिक वाला बटन आपको मिलेगा। सामने के साइड में अगर आप देखो तो आपको एक स्क्रोल भी देखने को मिल जाता है। स्क्रोल बहुत ही अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस करवाता है, जब आप स्क्रोल करोगे आपको पता चलेगा। ऊपर में मिडिल में आपको एक प्लस माइनस वाला बटन देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ अगर साइड में देखो, लेफ्ट हैंड साइड में आपको राइट वर्ड और बैक वर्ड का दो दो कीज डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है, जो कि गेमिंग में भी आपको मजा दिलाएगा। इसके अलावा दोस्तों इस वाले माउस के अंदर आपको एक आर्गोनॉमिक इंजीनियरिंग ह्यूमन बॉडी टाइप के डिजाइन देखने को मिल जाता है। ह्यूमन बॉडी इंजीनियरिंग डिजाइन ऐसा कुछ कंपनी ने दावा किया है। हालांकि मैं जब हाथ में होल्ड करता हूँ, मैं इस बात से सहमत हूँ यार, सच में बहुत ही अच्छा फील करवाता है। इस माउस के अंदर डेडिकेटेड 3200 DPI देखने को मिल जाता है, जो कि आप अपने माउस के बटन से इसको ठीक कर सकते हो, DPI को चेंज कर सकते हो। जो ऊपर में आपको प्लस और माइनस बटन देखने को मिलता है, उन दोनों को दबा दबा के, प्लस को दबा के आप DPI को हाई कर सकते हो, माइनस को दबा के आप DPI को डिक्रीज कर सकते हो। और हाँ दोस्तों, इस माउस के अंदर आपको 125 वाट्स का पोलिंग रेट भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे इस माउस के अंदर आपको 1.5 मीटर का ब्रीडेड केबल देखने को मिल जाता है। हालांकि इस प्राइस के अंदर ब्रीडेड केबल कीबोर्ड में भी देना चाहिए था, माउस में दिया, मैं बहुत ज्यादा सहमत हूं। और ये जो केबल का क्वालिटी है आप लोग देख सकते हो, मुझे नहीं लगता यार इतने मतलब टाइम से आप यूज करते हो या फिर कभी भी यूज करोगे, आप सोच रहे हो लॉन्ग टाइम के लिए, भागने वाला है बंदा, रुकेगा नहीं यार। मैंने इन दोनों माउस और कीबोर्ड के बारे में बहुत सारे बकबक कर लिए, ज्यादातर अच्छे अच्छे चीज बताए, ऐसा नहीं कि पैसा खाया हो यार, ऐसा कोई बात नहीं है, बट दो तीन चीज ऐसे है मेरे को अच्छे नहीं लगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कीबोर्ड का जो यहाँ पे वेयर है वो मुझे अच्छा नहीं लगा, बिकॉज यहाँ पे आपको ब्रीडेड केबल देता तो और भी अच्छा रहता, गोल्ड प्लेटेड यहाँ पे USB दे देता अच्छा रहता, मेरे को अच्छा लगता। बाय द वे इस केबल का जो क्वालिटी है वो भी मेरे को लगता है बहुत ही देर तक चलेगा। एंड माउस के अंदर जो बिल्ड क्वालिटी है, माउस का बिल्ड क्वालिटी के अंदर जो सेंसर है उसके बारे में ज्यादा यहाँ पे हमें जानकारी नहीं दिया कंपनी ने, ये चीज मेरे को अच्छा नहीं लगा। बाय द वे सारे चीज सही है, अगर माउस के अंदर एक अगर वो सॉफ्टवेयर वगैरह दे देता है इस प्राइस के अंदर, धमाका हो जाता। बाय द वे इस प्राइस के अंदर जो जो मिला है वो एक्सपेक्टेबल है और बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। एंड इसके अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें हैं, जैसे कि मेटल बॉडी है, आपको आर्गोनॉमिक कीज मिल जाते हैं, आपको कीबोर्ड के अंदर जो कीज है उसमें भी लाइटिंग देखने को मिल जाता है, DPI वगैरह अच्छा है, आप सेट कर सकते हो बटन को दबा के, बस और कुछ नहीं बताना यार। प्राइस सीधी सीधी सी तरीके से मैंने 999 मतलब कि 999 से परचेस किया अमेजोन से। अगर आप भी सेम कॉम्बो सेम प्राइस में परचेस करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके वहां से परचेस कर सकते हो और भी अच्छे खासे प्राइस में आपको मिल सकते हैं। मेरी तरफ से 100% हाँ है। अगर आप भी यूज करना चाहते हो एंड स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाला KM580 का गेमिंग कॉम्बो किट कीबोर्ड और माउस का, डेफिनेटली आप जाके परचेस कर सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट कीबोर्ड और माउस कॉम्बो किट है, मैं पर्सनली इसको एक हफ्ते से यूज कर रहा हूँ और मेरा जो इंप्रेशन है बहुत ही अच्छा है, कहीं पे भी आपको निराशा नहीं मिलेगा। सो आज का जो वीडियो था अनबॉक्सिंग रिव्यू, जो भी आप छोटा सा बताओ आपको कैसा लगा जरूर बताना। और आज के इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी बताना है आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। बाय द वे आज के वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं आपके साथ किसी एक लेटेस्ट चीज को लेकर बहुत ही जल्दी। आज के लिए सबका दिन शुभ रहे, जय हिंद, वंदे मातरम।